टीवी वर्ल्ड की डेली सोप क्वीन के नाम से जाना जाता है। एक्ट्रेस का मानना है कि अगर उन्होंने एकता कपूर के सीरियल में काम कर लिया तो उनका हिट होना तो पक्का है। ऐसी कई एक्ट्रेस हैं भी जिन्होंने एकता कपूर के सीरियल से पहचान बनाई है। एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस बालाजी 2000 से पहले से काम कर रहा है और उसने अब तक टीवी वर्ल्ड में कई हिट शोज दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिन्होंने एकता कपूर के सीरियल को सामने से ठुकरा दिया, जिस वजह से एकता कपूर के साथ उनकी कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई। आइए आपको उन तीन एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं जिनके साथ एकता कपूर की कोल्ड वॉर रही है या फिर अभी भी जारी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है टीवी वर्ल्ड की आउटस्पोकन और चुलबुली एक्ट्रेस सनाया ईरानी का। सनाया ईरानी अपने बेबाक अंदाज के लिए टीवी वर्ल्ड में बहुत फेमस है। सनाया को जो लगता है वो मुंह पर बोल देती है। सनाया ने टीवी वर्ल्ड में कई हिट शोज भी दिए हैं, जिनमें से एक मिले जब हम तुम, इस प्यार को क्या नाम दूं और रंग रसिया है। इन सीरियल्स के अलावा सनाया ने कई रियलिटी शोज में भी काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब एकता कपूर ने अपने एक बड़े सीरियल के लिए सनाया ईरानी को लीड रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन सनाया ईरानी ने उसे सामने से ठुकरा दिया, जिस वजह से सनाया ईरानी और एकता कपूर के बीच वॉर छिड़ गई। और कहा जाता है कि इसी के बाद से सनाया ईरानी के पास कोई सीरियल नहीं रहा और इसी वजह से सनाया ईरानी अब किसी भी सीरियल में नजर नहीं आती हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम है हेली शाह का। रिपोर्ट्स की माने तो हेली शाह को भी एकता कपूर ने अपने एक बड़े सीरियल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन हेली शाह को सीरियल का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया और उन्होंने उस सीरियल को ठुकरा दिया, जिसके बाद हेली शाह और एकता कपूर के बीच भी कोल्ड वॉर छिड़ गई। हालांकि हेली शाह अभी भी टीवी वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं। उनका जल्द ही सीरियल इश्क में मरजावा 2 कलर्स पर शुरू होने वाला है। हेली इश्क के अलावा इस सूफियाना और स्वरागिनी में भी नजर आ चुकी है। तीसरा और आखिरी नाम जिसके साथ एकता कपूर की कोल्ड वॉर रही है वो है एक्ट्रेस हिना खान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि हिना खान और एकता कपूर के बीच के रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल एकता कपूर ने हिना खान को सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 में कमोलिका का रोल ऑफर किया था और हिना ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था। कमोलिका के रोल में हिना को फैंस काफी पसंद भी कर रहे थे, लेकिन अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट की वजह से हिना खान ने इस सीरियल को रातों रात छोड़ दिया, जिस वजह से एकता कपूर हिना से काफी नाराज हो गई थी और कई महीनों तक इन दोनों के बीच में कोई बात भी नहीं हुई। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर भी छिड़ गई थी। हालांकि पिछले दिनों हिना खान ने एकता कपूर की कंट्रोवर्सी में उनका सपोर्ट कर लगता है कि उनका दिल दोबारा जीत लिया है और खबरें ये आ रही हैं कि हिना खान को एकता कपूर अपनी सुपरहिट वेब सीरीज ब्यूटीफुल बट ब्रोकन के 3rd सीजन में कास्ट कर सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि एकता कपूर नागिन सीरीज के 5th पार्ट में भी हिना खान को लीड रोल के तौर पर कास्ट कर सकती हैं। हालांकि इस पर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। तो ये थी टीवी वर्ल्ड से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।